ये देखिए हमारे पास ये पड़ा हुआ माइक्रो पावर है 70 एम्पेयर में, इसकी 6 माह की गारंटी है, विद वारंटी कार्ड है। इसके अलावा हमारे पास पड़ा हुआ पाकटेक है, वो भी 70 एम्पेयर में। अच्छा, ये भी 70 एम्पेयर में, ये भी 70 एम्पेयर में, ये भी हाइब्रिड है जी, ये भी हाइब्रिड है, ये इसकी भी सेम वारंटी है, इसकी सेम प्राइस है इसकी। उसके अलावा हमारे पास सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर पड़ा हुआ इन्फिनिक्स में है, ये 1.2 kV 800 वाट इसकी आउटपुट है, आपको मिल जाएगा 38,000। 800 वाट है, 1.2 kV 800 वाट है जी जी, बिल्कुल सही। मतलब पांच छह पंखे चलेगा, 800 वाट आउटपुट निकालेगा ये पैनल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इमरान अली। नाज़रीन, सोलर पैनल की प्राइसेस के हवाले से जैसे कि आप जानते हैं मार्केट स्टेबल है, सोलर पैनल की प्राइसेस सुनहरी मौका है। जो मेरे व्यूअर सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, सोलर पैनल की परचेजिंग करना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन टाइम है सोलर पैनल की परचेजिंग करने के हवाले से। मेरे साथ अली हसन भाई मौजूद हैं, सोलर पैनल की प्राइसेस के हवाले से डिटेल लेते हैं कि सोलर पैनल की इनके पास स्टॉक में कौन कौन से सोलर पैनल अवेलेबल है और उनकी प्राइस क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अली भाई? शुक्र अल्लाह पाक का, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई, आपके पास सोलर पैनल में जो स्टॉक में माल अवेलेबल है वो कौन कौन सा है? जी, सबसे पहले तो हमारे पास पड़ा हुआ लॉन्जी हाइमो 6 है 580 वाट में, उसके अलावा जे एन टाइप में पड़ा हुआ 575 वाट। अच्छा, फिर जे पी टाइप में पड़ा हुआ 550 वाट में। सही, पर वाट के हिसाब से इनकी डिटेल से गाइड कर दें, अदरवाइज जो छोटे व्यूअर हैं जिनका बजट कम है, कम बजट में रहते हुए अपने घर में पंखे लाइटें चलाना चाहते हैं, उसका भी तरीका अगर बता दें कि कम बजट वाले किस तरह अपने घर में। कम बजट वाले देखे जाए ना, तो बहुत ऐसे कस्टमर आते हैं जिन्होंने MPPT हाइब्रिड कंट्रोलर लगा के, दो ब्लेड लगा के उन्होंने अपने लाइटें पंखे वगैरह चला देते हैं, यानी कि UPS को वो हाइब्रिड सिस्टम, हाइब्रिड इन्वर्टर बन जाता है अगर कंट्रोलर साथ लगाए तो। सही, मतलब के UPS को हाइब्रिड करके उसके साथ कितने पैनल लगा के वो अपने पर दो बड़े पैनल लग जाते हैं साथ, एक आपका हाइब्रिड MPPT कंट्रोलर लग रहता है, आपका हाइब्रिड इन्वर्टर बन जाता है। सही, मतलब के जिनके घर में पहले से UPS अवेलेबल है वो दो पैनल बड़े लगा के हाइब्रिड कंट्रोलर लगा के तकरीबन 1 लाख की रेंज में उनका डिजाइन हो जाता है और वो अपने पंखे लाइटें सारे दिन फ्री ऑफ कॉस्ट चला सकते हैं। अदरवाइज कोई सिंगल फैन चलाना चाहता है, 12 वोल्ट का फैन चलाना चाहता है डायरेक्ट, तो उसका तरीका क्या? अगर 12 वोल्ट का सिंगल फैन डायरेक्ट चलाना चाहते हैं तो उसके लिए छोटी ब्लेड काफी होती है, 180 वाट 175 वाट, वो डायरेक्ट फैन चला सकता है उससे। सही, मतलब के सिंगल पैनल को रख के और वो 12 वोल्ट का पंखा चला सकता है, इजीली चला सकता है। तो उसके लिए वो जो पैनल है वो उसकी प्राइस क्या है? उसके लिए हमारे पास पड़ा हुआ MG 180 वाट में, उसकी प्राइस है 12,500। 12,500 का पैनल है और वायर वगैरह लगा, वायर वगैरह स्टैंड वगैरह सिंगल स्टैंड वगैरह लग जाए, 10-15 की रेंज तक वो सिस्टम डिजाइन हो जाएगा, जिससे वो दिन के टाइम वो अपना पंखा एक सारा दिन फ्री पोस्ट चला सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बड़े पैनल की प्राइसेस के हवाले से बता दें, पर वाट क्या क्या रेट बड़े पैनल की प्राइसेस वाले? देखिए हाइब्रिड जो कंट्रोलर है उनकी प्राइसेस के हवाले से बता दें, माशाल्लाह से आपके पास हाइब्रिड कंट्रोलर इन्वर्टर और सोलर इन्वर्टर में भी आपके पास काफी रेंज है, स्टेप बाय स्टेप हमारे व्यूअर को बताओ। सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास पड़ा हुआ जिनको बाईफेशियल में एन टाइप 500। अच्छा, ये एन टाइप में है, ये 585 वाट का। अच्छा, 580 वाट का है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, साइज में भी इसका कोई डिफरेंट होता है? साइज बिल्कुल सेम है, 90-45 जैसे हर ब्रेड का साइज होता है, 90-45 साइज सेम है बिल्कुल। अच्छा सही। अच्छा, इसकी प्राइस क्या हमारे व्यूअर? ये आपको मिल जाएगा 58.25 में। 58.25 में। अच्छा, 55 पैसे सही हो गया। ये 585 वाट में डबल ग्लास, ये सिंगल पैनल कितने प्राइस में कॉस्ट करेगा? ये तकरीबन 33-34 हज़ार रुपए में कॉस्ट करेगा, 34,000 की रेंज में कॉस्ट करेगा। अदरवाइज जो बाकी ब्रांड है उसके अलावा हाइमो 6 पड़ा हुआ है 580 वाट में, इसका रेट है 53 रुपीज पर वाट। अच्छा, 53 रुपए पर वाट है इसका, हाइमो 6 का। कितने वाट में? ये 580 वाट में। अच्छा, 585 वाट में, 580 वाट में। जी जी सही। ये पायलट बाइक माल होता है, अगर कोई मेरा व्यूअर परचेज करता है तो वेरिफिकेशन करवा के आप देते हैं उसका? SGS रिपोर्ट सब कुछ उसके साथ होती है। सही हो गया। उसके अलावा आपके पास स्टॉक में कौन से? उसके अलावा हमारे पास कैनेडियन पड़ा हुआ है 570 वाट में, बाईफेशियल एंड टाइम है वो भी। अच्छा, उसकी प्राइस क्या है? वो आपको मिल जाएगा 57 में, 57 रुपए पर वाट। जो पी टाइप कैटेगरी में पैनल आते हैं, कैटेगरी में हमारे पास पड़ा हुआ है जे पड़ा हुआ है 550 वाट में, डेटेड पैनल है वो। अच्छा, जे पड़ा हुआ है जी, जे सही। उसके अलावा अली भाई, मैंने देखा है आपके पास हाइब्रिड कंट्रोलर में भी काफी रेंज है, इन्वर्टर भी आपके पास अवेलेबल है, तो उनकी प्राइसेस के हवाले से भी बता दें। देखा जाए तो हाइब्रिड कंट्रोलर हमारे पास पड़ा हुआ है माइक्रो पावर है 70 एम्पेयर में वो। ये देखिए हमारे पास ये पड़ा हुआ माइक्रो पावर है 70 एम्पेयर में, इसकी 6 माह की गारंटी है, विद वारंटी कार्ड है ये। अच्छा, 6 माह की गारंटी है, और अगर कोई मसला खुदा ना खास्ता है इसमें कोई मसला आता है तो इसको हम रिपेयर करवा देंगे। इसका होता है कुछ भी नहीं, मगर इसके डिस्प्ले में कभी कभार कोई मसला आ रहा है तो हम इसे रिपेयर करवा देंगे। अच्छा, ये 70 एम्पेयर में बड़े पैनल कितने स्पोर्टेड है? बड़े पैनल 2 स्पोर्ट होंगे इस पर। अच्छा, ब्रांड कौन सा है ये? ब्रांड माइक्रो पावर में, माइक्रो पावर है ये, हाइब्रिड है कि हाइब्रिड में? हाइब्रिड में।
मिनट के एक सिंपल यूपीएस के साथ हम लगा के ऑटो ये सुबह सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा, रात को या वाटर शेयरिंग। सही प्राइस इसकी कितनी है? ये प्राइस 12,500 का मिल जाएगा। अगर कोई दुकानदार हजरात परचेज करना चाहता है तो उसके को डिस्काउंट होगा? उनके उनके लिए क्वांटिटी देखेंगे तो उनको 11,500 में मिल जाएगा। सही, अगर कोई क्वांटिटी में माल लेता है तो उसको 11,500 का मिल जाएगा। इसके अलावा कोई अदर ब्रांड में भी आपके पास हाइब्रिड? इसके अलावा हमारे पास पड़ा हुआ पाकटेक है, वो भी 70 एम्पीयर में। अच्छा, ये भी 70 एम्पीयर में? ये भी 70 एम्पीयर में। ये भी हाइब्रिड है? जी ये भी हाइब्रिड है। इसकी भी सेम वारंटी है, इसकी सेम प्राइस है इसके लिए। अच्छा, सेम वारंटी और सेम प्राइस? सेम प्राइस, सेम प्राइस। सही, इसके अलावा भी हाइब्रिड में आपके पास काफी पड़े हुए हैं हाइब्रिड में कंट्रोलर, सिमटेक में आपके पास अवेलेबल है? जी जी, सिमटेक भी मिल जाएगा आपको, सिमटेक 100 एम्पीयर में मिलेगा, 25,500 रुपए का मिल जाएगा। अच्छा, और 70 एम्पीयर में भी आपके पास होता है? जी 70 एम्पीयर में पाकटेक और माइक्रो पावर में। छोटे कंट्रोलर के हवाले से भी बता दें, छोटे कंट्रोलर के हवाले से छोटे पैनल के लिए यूज होते हैं? पीडब्ल्यूएम पड़ा हुआ हमारे पास 10, 20, 30, 50, 60 एम्पीयर में कंट्रोलर है, वो सारे पड़े हुए हमारे पास। 10 एम्पीयर से लेकर 60 एम्पीयर तक आपके पास अवेलेबल है? जी जी। इन्वर्टर में आपके पास रेंज? इन्वर्टर में हमारे पास 6 किलोवाट में पड़ा हुआ है क्राउन एलिगो 6। क्राउन एलिगो 6 की प्राइस के बारे से बता दें, ये क्राउन एलिगो 6 इसकी प्राइस क्या मिलेगी अगर कोई मेरा व्यूअर परचेज करना चाहता है? क्राउन एलिगो 6 आपको मिल जाएगा 2,60,000 में। 2,60,000 में? 2,60,000 ड्यूल आउटपुट है, वाईफाई ऑप्शन। सही, 2,60,000 जी जी। अच्छा, क्राउन में भी आपके पास पड़े हुए क्राउन? उसके अलावा क्राउन 5.6 में भी पड़ा हुआ है, जेवियर में पड़ा हुआ है, आपको मिल जाएगा 1,70,000 में। सही, 1,70,000 में जी। छोटे इन्वर्टर के हवाले से भी बता दें, छोटे जो पंखे लाइटें चलाना चाहते हैं उन इन्वर्टर की प्राइस के हवाले से भी बता दें। उसके अलावा हमारे पास ये सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर पड़ा हुआ है इन्फ्लिक्स में, आइए 1.2 केवी 800 वाट इसकी आउटपुट है, ये आपको मिल जाएगा 38,000। एक्चुअल 800 वाट है, 1.2 केवी 800 वाट है। जी जी बिल्कुल सही, मतलब पांच छह पंखे ये चला, पांच छह पंखे चलेगा, 800 वाट आउटपुट निकालेगा ये। ये पैनल कितने सपोर्टेड है इसके साथ? छोटे बड़े जो दो पैनल सपोर्ट होंगे, छोटे से 3-4 पैनल सपोर्ट हो जाएंगे। बड़े दो पैनल ये सीरीज में सपोर्टेड है या पैरेलल में? सीरीज में लगा रहे, पैरेलल में दो पैनल सपोर्ट होंगे। इसकी मैक्सिमम वीडीसी कितनी है? मैक्सिमम वीडीसी इस पर 250 वोल्ट सपोर्ट होंगे। 100 वोल्ट मैक्सिमम होती है, जो भी 1.2 केवी में इन्वर्टर होता है मैक्सिमम उसकी वीडीसी 100 होती है, 30 वीडीसी से लेके 100 तक आप अटैच कर सकते हैं। दो पैनल ये पैरेलल में सपोर्ट करेगा 575 या 580 वाट के। जी जी। प्राइस के हवाले से बता दें, इसकी प्राइस 35,500 में मिल जाएगा आपको। 35,500 का मिल जाएगा। सिंगल बैटरी सपोर्टेड है? जी जी बिल्कुल, सिंगल बैटरी। अच्छा सही, छोटे कंट्रोल के हवाले से भी आपने बता दिया, पैनल के हवाले से बता दिया। छोटे पैनल में आपके पास कौन कौन से ब्रांड में जो पैनल है उनकी प्राइस के हवाले से बता? छोटे पैनल में हमारे पास पड़ा हुआ एमजी पड़ा हुआ है 180 वाट में, उसके अलावा सेल जर्मनी पड़ा हुआ 180 वाट में। अच्छा, एमजी और सेल जर्मनी 180 वाट में पड़ा हुआ, उसकी प्राइस पर वाट, इनकी प्राइस छोटे पैनल की पर वाट के हिसाब से नहीं होती? जी छोटे पैनल की नहीं होती। अच्छा, एमजी का कितने का है पैनल? एमजी आपको 12,500 का मिल जाएगा और जो सेल जर्मनी 180 वाट में आपको मिल जाएगा 13,000 में। अच्छा, इसके साथ कोई वारंटी वगैरह भी होती है? 5 साल की वारंटी, गोल्ड एम्पेयर की वारंटी होती है। 5 साल वोल्ट एम्पीयर की वारंटी है, अगर 5 साल में पैनल वर्किंग नहीं करता जी जी तो उसका क्या सीन होता? उनका ये क्लेम होता है कि उनके पीछे डाइवर्स लगे होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं पैनल। सही हो गया। नाजरीन, अली भाई मेरे साथ मौजूद थे, सोलर पैनल की प्राइसेस के हवाले से भी और हाइब्रिड कंट्रोलर के हवाले से भी इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। अगर कोई मेरा व्यूअर परचेजिंग करना चाहता है तो अली भाई से शॉप का एड्रेस जानकारी लेते हैं। अली भाई, कोई मेरे व्यूअर यहाँ पे आना चाहता है, तरीका का क्या है? वो हाल रोड हरमैन सेंटर है, तैयबा सोलर शॉप नंबर 10। अच्छा, तैयबा सोलर शॉप नंबर 10। तो कोई भी मेरा व्यूअर इनसे राबता करना चाहता है तो इनका नंबर आपको वीडियो में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। आप इनसे व्हाट्सएप या कॉल पर राबता करके कोई भी डिटेल लेना चाहते हैं, अदरवाइज आप कोई चीज परचेज करना चाहते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी करवाना चाहते हैं, तो वो तमाम तफसील आप इनसे ले सकते हैं। तो आज के लिए इतने व्यूअर, आई होप कि मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें व्यूअर, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।